जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। जैसे कि हमने आपसे बताया हुआ है कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड यू ऑल आर माय फैमिली मेंबर्स, तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को घुमाया जाए अपने यूनिवर्सिटी में। आई नो कोरोना चल रहा है एंड फॉर दैट आई एम टेकिंग ऑल द सेफ्टी मेजर्स एंड आई विल एडवाइस यू गाइस टू टेक ऑल द सेफ्टी मेजर्स बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ योर होम। सो लेट्स गो एक्सप्लोर माय यूनिवर्सिटी एंड सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन माय यूनिवर्सिटी। लेट्स गो। So after you enter BHU, you'll have to walk for around 200 meters and आपके सामने ये सरस्वती माता की मूर्ति पड़ेगी जिसके नीचे लिखा होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अभी आप जो सामने देख रहे हो ये है महिला महाविद्यालय विच इज़ MMV। ये मालवीय जी ने एक्सक्लूसिवली गर्ल्स के लिए बनवाया था एंड यहाँ पे जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा यहाँ पे केवल फीमेल स्टूडेंट्स ही पढ़ती हैं। तो ये जो आप सामने देख रहे हो दिस इज़ सर सुंदरलाल हॉस्पिटल एंड ये है BHU का हॉस्पिटल। इसके जस्ट सामने है IMS विच इज़ द फेमस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU का। और हम चलने वाले हैं इसी रोड पे सीधे। सो दिस इज पंडित मदन मालवीय हेरिटेज कॉम्प्लेक्स वेयर द फाउंडर ऑफ दिस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पंडित मदन मोहन मालवीय, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय यूज टू रिसाइड। सो यू कैन सी दिस बिहाइंड माई बैक, दिस इज पंडित मदन मोहन मालवीय हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। सो मालवीय जी यहीं पे रहा करते थे, पीछे हुआ करता था गौशाला एंड अब वो जो एरिया है वो योगा सेंटर बन चुका है एंड यहाँ पे गीता पाठ भी होता है। ऑल्सो यहाँ पे हर साल 25th ऑफ दिसंबर को जिस दिन मालवीय जी का बर्थडे होता है उस दिन फ्लावर एग्जीबिशन लगता है, बहुत सुंदर फ्लावर एग्जीबिशन लगता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये है VC लॉज जहाँ पे VC रहते हैं एंड इसके बाद है LD गेस्ट हाउस विच इज लक्ष्मण दास अतिथि गृह। सो LD गेस्ट हाउस के जस्ट ऑपोजिट में है SBI का ATM, जस्ट इन केस आपको अगर पैसे निकालने हो तो आप वहाँ जाके पैसे निकाल सकते हो। LD गेस्ट हाउस के जस्ट बगल से एक रास्ता जाता है जिस रास्ते से हम लोग अभी जाने वाले हैं। सो बेसिकली यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, इंटरनेशनल गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल है एंड डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड फैकल्टीज़ की गर्ल्स का हॉस्टल यहाँ पे है। दिस इज त्रिवेणी जहाँ पे चार हॉस्टल्स हैं गर्ल्स के। यहाँ पे अलग अलग फैकल्टी एंड अलग अलग डिपार्टमेंट्स की गर्ल्स रहती हैं, जैसे लॉ फैकल्टी की भी लड़कियाँ जो हैं वो यहीं पे रहती हैं, यहाँ पे साइंस फैकल्टी की लड़कियाँ रहती हैं एंड ट्रस्ट मी गाइज दिन के 3 बजे यहाँ पे कभी इतना सन्नाटा नहीं रहता था। ऑफकोर्स दिस इज बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड कोई भी नहीं है यहाँ पे अभी। मूविंग ऑन, इसी रोड में आप अगर सीधे जाओगे तो सामने आपको दिखेगा NCC। यहाँ पे तीनों टाइप का NCC है, यानी एयर नेवी एंड लैंड, तीनों NCC है। आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में NCC में नाम लिखवा सकते हो एंड प्लेन उड़ाने का भी मौका मिलता है यहाँ पे। NCC के जस्ट बगल में है ये बहुत सुंदर सा मंदिर।
था। तो दिस इज मालवीय शिशु विहार। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं स्कूल से मेरी। जब हम छोटे हुआ करते थे, मेरी माँ और डैडी आते थे छोड़ने के लिए, जिन्हें बेबी और राजू हम बोलते थे उस टाइम पे, और हम बहुत रोया करते थे। पहले तो ये जो दीवार है ना, वो बहुत छोटी हुआ करती थी, तो हम जब रोते थे एंड प्रेयर करते थे तो मेरी माँ और डैडी इस दीवार से झांक झांक कर हमें देखते थे। एंड डेली मेरे बाबा आते थे हमें स्कूल से लेने के लिए, एंड मेरी माँ हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा देती थी कि आज बेटू ये लेके आना, और हम ज़रूर वो चीज़ लेके आते थे अपने बाबा से। डेली कुछ ना कुछ खरीदवा के ला के अपनी माँ को देते थे। सो इसके जस्ट बाद है केंद्रीय विद्यालय, विच इज़ KVBHU। जस्ट बगल में है पोस्ट ऑफिस, जहाँ से आप कूरियर, स्पीड पोस्ट सब कुछ कर सकते हो। इसी रोड में आप करीब 1 किलोमीटर आगे जाओगे, 1 to 1.5 किलोमीटर आगे जाओगे, तो लेफ़्ट साइड में ये यूनिवर्सिटी क्लब है, जहाँ पे यहाँ के एम्प्लॉयज़ की शादी वगैरह होती है एंड कुछ भी फंक्शन होता है इस क्लब में। लॉकडाउन से पहले ये जो बिल्डिंग थी वो इतनी ज़्यादा मतलब फिनिश नहीं हुई थी, लेकिन अभी हम इतने दिन के बाद देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा चेंज लग रहा है इस बिल्डिंग में हमें। तो ये है द फेमस हैदराबाद गेट, जिसके बाहर बहुत सारी दुकानें हैं, मेडिसिन की दुकानें हैं, बहुत अच्छा खाना वाना मिलता है यहाँ पे, स्नैक्स मिलता है एंड नूडल्स वगैरह मिलता है। तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ये हैदराबाद गेट के बाहर की दुनिया। एंड यहाँ पे साइबर कैफ़े भी है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसके मतलब हैदराबाद गेट। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी आपको कहीं भी देखने को मिलेगी, आई एम श्योर कि इतनी ज़्यादा ग्रीनरी आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी जितनी BHU में आपको देखने को मिलेगी। सो आप देख सकते हो लेफ़्ट एंड राइट दोनों ही साइड यहाँ पे क्वार्टर्स हैं, जहाँ पे यहाँ के प्रोफेसर्स एंड एम्प्लॉयज़ रहते हैं। सो दिस इज़ महामना विद्यालय, विच इज़ येट अनदर प्राइमरी स्कूल यहाँ का। तो आप देख सकते हो ये एम्प्लॉय का घर है, आप देख सकते हो कितना अच्छा लगता है यहाँ का एम्प्लॉय का घर ना, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ। सो अब हम ले चलते हैं आपको स्विमिंग पूल में। जी हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्विमिंग पूल भी है एंड यहाँ पे सिखाया जाता है स्टूडेंट्स, एंड यहाँ के एम्प्लॉय लोगों के लिए काफ़ी कम फीस है, लेकिन बाहर के लोग भी सीख लेते हैं, सीख सकते हैं, पर उनके लिए फ़ीस ज़्यादा होती है। सो ये आप देख सकते हो, ये है हॉर्टिकल्चर जो कि बंद है यहाँ पे, बहुत कम रेट में प्लांट्स वगैरह मिलता है। एंड ये है एग्रो कैफ़े, एग्रीकल्चर वालों का कैफ़े है ये, जो कि बंद पड़ा हुआ है। नाउ वी आर एट द हार्ट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, विच इज़ विश्वनाथ टेम्पल, एंड यहाँ पे आके आई वाज शॉक्ड टू सी विश्वनाथ टेम्पल एंड उसके आसपास का एरिया, क्योंकि